अगर आप भी मेरी तरह स्कर्ट लवर हो एंड आपको स्कर्ट पहनना बहुत ज्यादा पसंद है, सो डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके स्टाइलिंग एंड आप अपना कैसे एक कलेक्शन बिल्ड कर सकते हो उसमें। हेलो एंड नमस्ते, जो फ्रेंड भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा नाम है सालू एंड आप देख रहे हैं सालू ब्यूटी एंड फैशन, जहां मैं बात करती हूँ ऑल अबाउट ब्यूटी, लाइफस्टाइल, डीआईवाई, स्टाइलिंग वीडियोस एंड लॉट ऑफ स्टफ। सो प्लीज मेरे और भी वीडियोस को चेक करिएगा, अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकते हैं प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो या विदाउट आपके पास होना चाहिए, आपके पास किसी भी तरह का कॉटन का प्रिंटेड स्कर्ट जो होता है वो होना चाहिए। मेरे पास दो तीन प्रिंटेड कॉटन के स्कर्ट है, बट जो बहुत ज्यादा मुझे पसंद है वो ये प्रिंटेड स्कर्ट है। इसे मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में स्टाइल भी करा है। सो आप इस तरह के मीन्स किसी भी तरह के प्रिंटेड स्कर्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉटन स्कर्ट बहुत ही बेसिक स्कर्ट है, बट इसके बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग वे है कि आप कॉटन के स्कर्ट को बहुत ज़्यादा वे में स्टाइल कर सकते हो। इस तरह के स्कर्ट को, कॉटन के प्रिंटेड स्कर्ट जो होते हैं, उसे आप ऑफिस में, सपोज मेरी जो स्कर्ट है उसमें यहाँ पे देखो बेज या येलो स्टोन में प्रिंट बना हुआ है, तो इस कलर की अगर कोई सॉलिड कुर्ती रहेगी मेरे पास में, या चिकनकारी कुर्ती रहेगी, गोटा पट्टी की कुर्ती रहेगी, तो इस तरह के कुर्तीज को आप शॉर्ट लेंथ या फिर नी लेंथ, मिड लेंथ, किसी भी लेंथ की कुर्ती को आप अगर ऑफिस में स्टाइल करना चाहते हो तो सॉलिड कलर की कुर्ती के साथ स्टाइल कर सकते हो। पार्टी में अगर आप स्टाइल करना चाहते हो तो आप गोटा पट्टी के जो भी कुर्तीज हैं, इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, तो उसे भी आप कॉटन के स्कर्ट के साथ में बहुत ही सिंपली आप स्टाइल कर सकते हो। एंड अगर आपको थोड़ा फंकी लुक चाहिए, मीन्स थोड़ा गर्ली लुक चाहिए, बोहो लुक चाहिए, तो उसके लिए भी आप कोई भी शर्ट है, जैसे इसमें ब्लैक का भी टिंच है तो ब्लैक कलर के शर्ट के साथ, या फिर वाइट कलर के शर्ट के साथ, आप बहुत सारी चंग ज्वेलरी के साथ भी इस तरह के स्कर्ट को आप स्टाइल कर सकते हो। सो कॉटन के स्कर्ट को आप वर्सेटाइल वे में आप स्टाइल कर सकते हो, इसीलिए आपके पास एक कॉटन का स्कर्ट होना मस्ट हैव है। बस दूसरी तरह की स्कर्ट होनी चाहिए, वो है एक सिल्क का स्कर्ट। यस, सिल्क का स्कर्ट भी एक बहुत ही वर्सेटाइल पीस है। इनफैक्ट जो भी स्कर्ट मैं आप लोगों से श्योर करूंगी बहुत ही वर्सेटाइल है, बिकॉज आप उसे बहुत वे में स्टाइल कर सकते हैं। नाउ जो सिल्क का स्कर्ट है आपके पास होना क्यों जरूरी है, लेट मी टेल यू। देखो ये मेरा एक सिल्क का स्कर्ट है, मैंने अपनी सिस्टर की वेडिंग में कुछ शॉपिंग करी थी, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको दे दूंगी लिंक, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। तो उसी वक्त मैंने ये सिल्क का स्कर्ट लिया था। जो स्कर्ट है ये आप देखो थोड़ा लाइट कलर में, मीन्स सी ग्रीन कलर में है, एंड इस पे जो है पिंक कलर के बूटे लगे हुए। सो फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे स्टाइल करा था तो एक पिंक कलर की ब्लाउज के साथ स्टाइल करा था, एंड सेकंड टाइम जब मैंने इसे स्टाइल करा था आई गेस एक कुर्ती के साथ मैंने इसे स्टाइल करा था, मुझे याद नहीं है। सो आपके पास अगर सिल्क का स्कर्ट है एंड आपका जो बजट है वो ज्यादा नहीं है, मींस आपको आपके घर में कोई वेडिंग है एंड आप मींस बहुत ज्यादा पैसे आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड आपको क्लासी भी दिखना है, सो दिस इज द राइट चॉइस। सिल्क स्कर्ट एक राइट चॉइस है, आपको कुछ ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। आप इसके मैचिंग का क्रॉप टॉप आप चूज करो, क्रॉप टॉप नहीं पहनना चाहते हो तो कुर्ती के साथ स्टाइल करो, कुर्ती भी नहीं पहनना चाहते हो तो आप ऑफ शोल्डर जो भी टॉप है उसके साथ आप स्टाइल कर सकते हो। सो सिल्क का स्कर्ट को आप बहुत ही मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हो, एंड सेलेब्स सिल्क के स्कर्ट को बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट करते हैं, एंड उसके साथ कोई भी अच्छा सा मीन्स ज्वेलरी को आप टीम अप करो एंड यू आर गुड टू गो। इसीलिए कितनी भी पुरानी सिल्क की स्कर्ट है, क्योंकि सिल्क कभी ट्रेंड के बाहर नहीं जाता है। सो प्लीज अपनी वार्डरोब में आप सिल्क के स्कर्ट को आप जरूर जगह दीजिए, जो लॉन्ग टाइम तक आपके स्टाइलिंग में आपका साथ निभाएगी। एंड सॉरी, सिल्क की जो स्कर्ट है उसको आप मिस विंटर में हाईनेक स्वेटर के साथ भी अगर आप स्टाइल करोगे किसी पार्टी में, एंड एक बहुत ही अच्छा सा अगर आप चोकर फ्लॉन्ट करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो तीसरी तरह की स्कर्ट है, आपके पास एक सॉलिड स्कर्ट होना ही चाहिए, मीन्स सॉलिड स्कर्ट इज अ लाइफ सेवियर फॉर यू। सॉलिड स्कर्ट एक ऐसा स्कर्ट है जो आपको कभी नहीं सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे स्टाइल करना है, एंड अगर आप स्टाइल में अच्छे नहीं भी हो, मींस आपको उतना स्टाइलिंग का सेंस नहीं है, तो आप सॉलिड स्कर्ट को या सॉलिड कुर्ता को किसी भी वे में अगर आप स्टाइल करोगे तो वो बहुत ही अच्छा लुक ही देगा। आप कभी उसके साथ मींस फैशन डिजास्टर नहीं होता है सॉलिड कपड़ों के साथ में, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सॉलिड स्कर्ट को आप प्रिंटेड कुर्ती के साथ पहन सकते हो, प्रिंटेड टॉप के साथ पहन सकते हो, सॉलिड के साथ सॉलिड रख सकते हो,
सॉलिड के साथ में आप मीन सीक्विन सीक्विन का अगर कुछ वर्क है उस तरह के आप आउटफिट को टॉप्स को या कुर्ता को कंबाइन कर सकते हो, या फिर स्कर्ट के साथ में अगर आप साड़ी भी आपको पहनना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो। तो सॉलिड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है किसी भी आउटफिट में, वेदर इट इज़ स्कर्ट टॉप और साड़ीज, कुछ भी आप उसे वर्सेटाइल वे में आप स्टाइल कर सकते हो। सो प्लीज़ इन्वेस्ट इन अ सॉलिड कलर, मीन्स स्कर्ट कलर वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, बट आप बेज कलर चूज कर सकते हो एंड आप ब्लैक कलर चूज कर सकते हो, बहुत ही वर्सेटाइल वेज में आप नेवी ब्लू कलर चूज कर सकते हो, क्योंकि इस तरह के जो कलर्स है ना वो आपको ईजी हो जाता है मिक्स मैच में। सो दिस इज माई थर्ड टाइप ऑफ स्कर्ट। जो फोर्थ स्कर्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए दैट इज नेट स्कर्ट। मेरे पास ये नेट का स्कर्ट है, कुछ दिनों पहले मैंने इसकी वीडियो भी शेयर किया, उसकी डिटेलिंग चाहिए तो मैं एड स्क्रीन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। सो आपके पास में एक नेट का स्कर्ट भी होना चाहिए। नाउ नेट का स्कर्ट, आप बोलोगे कि नेट के स्कर्ट को हम कैसे वर्सेटाइल वेज में स्टाइल कर सकते हैं। सो नेट का स्कर्ट, अभी मैंने बोला कि रिसेप्शन में अगर आपको कुछ डिफरेंट दिखना है तो आप सिल्क के स्कर्ट को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बट वेडिंग में मींस जिस दिन वेडिंग है, वेडिंग डे में आपको कुछ अलग दिखना है एंड अपने ही पुराने स्कर्ट को आप यूज़ करना चाहते हो, सो आप अपने नेट के स्कर्ट को मींस ब्लाउज को थोड़ा चेंज कर सकते हो एंड आप स्टाइल कर सकते हो, एंड नेट के स्कर्ट के साथ आप इस तरह की स्टाइलिंग भी अपना सकते हो। मींस आपके पास अगर कोई क्रॉप टॉप है जो आपके स्कर्ट के साथ मिक्स मैच हो रहा है एंड उसके ऊपर आप सिर्फ श्योर कुर्ता सिलवा लो एंड वो भी पहनो, वो भी रॉक लगता है रॉक, तो वेडिंग डे में आप अपने नेट के स्कर्ट को वर्सेटाइल वेज में स्टाइल कर सकते हो। नेट के स्कर्ट को आप कैसे स्टाइल कर सकते हो, कनेक्टेड रहिएगा, इसके ऊपर एक बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है एंड यही स्कर्ट को मैं डिफरेंट वे में आपको स्टाइल करके दिखाऊंगी कि एक ही स्कर्ट को आप मल्टीपल वेज में कैसे स्टाइल कर सकते हो। सो यू शुड इन्वेस्ट इन नेट स्कर्ट। नाउ नेट के स्कर्ट को अगर आप पेपलम ब्लाउज के साथ भी पहनते हो तो बहुत अच्छा लगता है। अगेन आप नेट के स्कर्ट को मीन्स फुल स्लीव्स, अगर विंटर है तो 3-4 स्लीव्स फुल स्लीव्स के ब्लाउज के साथ भी पहनोगे तो उतना ही रॉयल एंड रिच लुक आएगा। सो वेडिंग डे में स्पेशली अगर आपके पास कोई नेट का स्कर्ट है तो आप उसे वर्सेटाइल वे में स्टाइल कर सकते हो। बस फिफ्थ स्कर्ट होनी चाहिए, आई कंप्लीटली बिलीव कि आपके पास कुछ एथनिक स्कर्ट होना चाहिए, आपके पास कुछ बांधनी या फिर लहरिया प्रिंट के स्कर्ट होना चाहिए, क्योंकि बांधनी एंड लहरिया प्रिंट के स्कर्ट आपके लिए लाइफ सेवियर का काम कर सकता है। क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि अगर सपोज अगर आपके पास कभी टाइम नहीं है, कोई फेस्टिवल टाइम है, आपके घर में पूजा है, सो बांधनी लहरिया चुन्नी ये इस तरह के प्रिंट है कि आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं दिखना पड़ता है, मीन्स कुछ ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करने में आपने स्कर्ट डाला एंड सिंपल से कुछ भी जो भी आपके पास अपर वेयर है मैच करने के लिए आपने मैच करा, ज्वेलरी पहनी, चूड़ियाँ डाली एंड यू आर गुड टू गो। सो यू शुड इन्वेस्ट इन लहरिया एंड एथनिक प्रिंट स्कर्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सपोज गरबा है, आपको गरबा खेलने जाना है एंड आपके पास वही पुरानी स्कर्ट है, सो आपने लेयरिंग कर ली, सो ये स्कर्ट जो आप देख रहे हो इसको मैंने अपने गरबा मीन्स गरबा में डिफरेंट वे में स्टाइल करके दिखाया है, सो इसका भी लिंक मैं आपको एड स्क्रीन में दे दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सो आपको इस तरह के स्कर्ट में भी ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, एथनिक प्रिंट के स्कर्ट में। सो ये तो थी कि आपके पास किस तरह के 5 तरह के स्कर्ट होने चाहिए, बट इसके अलावा भी आप किसी तरह के स्कर्ट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके पास एक इस तरह के फॉइल प्रिंट के मीन्स स्कर्ट में भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसे भी आप डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकते हो। सपोज ये जो है बहुत ही सूदिंग एंड कामिंग सा कलर है, आप ये देख रहे हो, सो इसको अगर मैं इसके साथ भी देखो पेयर अप करूँगी तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है एट अ सेम टाइम इसकी फैब्रिक का मीन्स जो शाइनीनेस है इसके साथ मैच होता है। तो इसी तरह कोई भी लाइट कलर का फॉइल प्रिंट के स्कर्ट में आप डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसे आप भी मल्टीपल वेज में आप स्टाइल कर सकते हो। तो इन 6 तरह के स्कर्ट में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो एंड उसे आप डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकते हो। जो स्टाइलिंग टिप मैंने आपको दी आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। सो या ये था आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। इफ येस तो प्लीज़ बेल बटन को प्रेस करना ना भूले, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है,
बट मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ स्टिल। अभी रात के 11 बज रहे हैं, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला सुबह से। जो भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है घर को लेके भी। सो मेरी इस हार्डवर्क के लिए एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड अगर कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कॉन्टेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय। लव यू ऑल।